वर्ल्ड कप 2019 का सबसे क्लोज मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, और आज की इस वीडियो में हम आपको इस जबरदस्त मुकाबले की एक बार शॉर्ट में पूरी हाइलाइट दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम की इस शानदार और धमाकेदार जीत से खुश हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी कर दीजिए। तो दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स बिल्कुल फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा मात्र 1 रन और केएल राहुल 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली ने इस मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाए, इन्होंने 67 रनों की एक शानदार पारी खेली। और उसके बावजूद विजय शंकर, महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव की छोटी छोटी पारियों के बदौलत भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 225 रनों का टारगेट अफगानिस्तान के लिए खड़ा किया। अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा जोखिम देखने को नहीं मिला। सभी के सभी बल्लेबाजों ने कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं किया। मोहम्मद अमी ने अंत तक बल्लेबाजी की, परंतु अगर भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो वो एकदम आउटस्टैंडिंग रही। मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में अंतिम ओवर में जाकर एक शानदार हैट्रिक ली और भारतीय टीम की झोली में इस पूरे मैच को सौंप दिया। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी ने इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने में काफी अहम रोल निभाया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 जीत सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।